हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मल्टी सुपर स्टेटस। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट्स वीडियो के बारे में कि शॉर्ट्स वीडियो बनाते तो आपको नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मैं आपको सिंपली बता दूँ, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी शॉर्ट्स वीडियो पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता। एक सिंपल सी बात है, सोचने वाली होता है, कई सारे यूट्यूबर हैं जिनके और भी वीडियो बनते हैं, तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो के भी नोटिफिकेशन आएंगे तो कंटिन्यू आप उसी की वीडियो देख पाओगे, नए यूट्यूबर होगी तो देख नहीं पाओगे। तो कंपनी ने ये चीज़ क्या तय किया कि शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कभी भी नहीं आएगा, और आने वाले टाइम में आ सकता है तो उसका कोई कह नहीं सकते कि कब आएगा कब नहीं, लेकिन अभी फिलहाल YouTube पे शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके एक दिन में कई सारी वीडियो डालते हैं और शॉर्ट वीडियो डालते हैं। तो मान लो अगर उन्हीं की वीडियो बार बार YouTube पे चलेगी और बाकी नए यूट्यूबरों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना उनको कोई देखेगा ना कोई सुनेगा, तो फिर कैसे होगा। क्योंकि बड़े यूट्यूबर ने भी आज के शॉर्ट्स वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं और कई सारे लोगों ने भी शॉर्ट्स वीडियो बनाने शुरू कर दिए। तो भैया नए यूजरों को भी टाइम दो, टैलेंट दिखाने का मौका दो, क्योंकि उनको भी तो कुछ करना है ज़िंदगी में। ये बताओ, नए यूट्यूबरों को भी तो उनको भी टैलेंट दिखाने का मौका दो दोस्तों। कम से कम अगर आप ही के बार बार शॉर्ट वीडियो आएंगे तो उनको कौन देखेगा, उनको क्यों चैनल बनाएंगे फालतू के, उनकी वीडियो तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा फिर। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, शॉर्ट्स वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो आप जब बनाते हो, अगर किसी ने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो जब वो यूट्यूब ओपन करता है होम पेज, उस पर सबसे पहले आपका वीडियो शो करेगा। ये मैं लाइव प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी कई सारी वीडियो बनाई थी शॉर्ट वीडियो, और मैंने दूसरे फ़ोन में अपने चेक करा था, तो वो नोटिफिकेशन नहीं आता है। लेकिन उसमें आप YouTube ओपन करोगे तो होम पेज पे सबसे पहले आपकी वीडियो शो करेगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन आपकी जब भी कोई YouTube सब्सक्राइबर अपना YouTube ओपन करेगा और वो होम पेज खोलेगा तो उस पर आपकी वीडियो आएगी, तो वहाँ से व्यू हो सकता है, और नहीं तो शॉर्ट्स में जाके अगर कोई वीडियो देखता है तो उसमें आपका व्यू हो सकता है। तो इस तरह आते हैं। लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में कई बार मैंने एक चीज़ और मैंने देखा है शॉर्ट वीडियो में, कि कॉपीराइट का भी आ रहे हैं, कॉपीराइट क्लेम भी आ रहे हैं सॉन्ग में। अगर आप कोई सॉन्ग यूज़ करते हो, जैसे आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो उसमें कोई सॉन्ग यूज करते हो, डांस वांस करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसमें कई एक दो कॉपीराइट भी आया है मैंने देखा है कि गाने यूज करने पे। तो कैसे आता मैं वो बता देता हूँ। आपको यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें आप जब भी कोई शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उसको प्राइवेट में डाल दो पहले, उसके बाद आप उस यूट्यूब स्टूडियो में जाके चेक करो, तो वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम पहले आपको शो कर देगा। तो आप क्या कॉपीराइट क्लेम शो कर देगा तो आप उस वीडियो को डिलीट मार देना, आप दूसरी वीडियो बनाना। जब भी आप शॉर्ट्स वीडियो बनाना तो पहले उसको प्राइवेट में डाल देना दोस्तों, उसके बाद आप उसको यूट्यूब स्टूडियो में जाके चेक करना कि वो कॉपीराइट है या नहीं है, तो उसको डिलीट मार देना। अगर कॉपीराइट है तो डिलीट मार देना, नहीं है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, और शॉर्ट्स वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। मैंने अभी भी कह रहा हूँ और लास्ट में भी कह रहा हूँ कि नहीं आएंगे। लेकिन आपका चैनल सब्सक्राइब है तो उस जो भी आपका सब्सक्राइबर है उसके होम पेज पे शो करेगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो आप करके देख लो, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक करना, ये बिल्कुल 100% कह रहा हूँ मैं। तो आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।